ओके, सो इसमें दो सवाल फिर से। एक सवाल तो ये, वॉज इट अ क्वालिटेटिव डिफरेंस ऑफ द माइंड? बिकॉज ऐसा तो नहीं कि काम तो कर ही रहे हैं रोज, अगर 3 काम आए तो आप ऐसे काम नहीं करूंगी, ऐसा तो मैंने जो भी आपके साथ थोड़ा बहुत डीलिंग किया था मुझे ऐसा कभी आभास नहीं हुआ था। बट सो व्हाट वाज द चेंज, व्हाट वाज द फिजिकल चेंज वंस यू चेंज योर माइंडसेट? क्या किया जो आपको वो, सपोज आपको मूवी देखने का टाइम नहीं मिला, या कोई भी रीजन हो सकता है, कोई और फ्रेंड आ गया मिलने, या कुछ भी है जो आपको चाहिए था वो नहीं हुआ, ऐसा भी होता है कई बार। तो माय क्वेश्चन इज के हाउ डिड यू रियलाइज के ये मैं चेंज कर रही हूँ, मतलब अभी मेरे समझ में आ गई बात से लेके चेंज करने तक प्रैक्टिकली आपने क्या किया? लाइक प्रैक्टिकली मेरा ऐसा भी होता था कि लाइक बहुत बार ये भी होता था कि आई वाज सो मच इन्वॉल्व्ड इन माय वर्क लाइफ कि लाइक मेरी जो यू कैन से पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ जो कि पूरी जीरो थी। जी लाइक मेरा बहुत बार लाइक समझ लो कि सिस्टर से मैंने 2 2 महीने बाद मिली है, सी स्टे साउथ स्टेशन, तो वो सिस्टर की कंप्लेनिंग भी रहती थी, मुझे भी कहीं कहीं अंदर लगता। एंड थोड़ा इसमें ये भी हो जाता था कि बिकॉज ऑफ वर्कोहोलिक ज्यादा थी, तो मेरे से वो अब भी नहीं होता है कि लाइक इसकी बात उसकी बात उसकी बात, वो सब अब भी नहीं होता है। बट कभी कभी ये भी थोड़ा बाद में मुझे मैंने रियलाइज किया कि कुछ पॉइंट तक ये भी अच्छा लगता है कि लाइक हालचाल जान लिए, तो वो सब मैं मिस करती थी। लेकिन तब मैं जो वो मिसिंग दिखाई नहीं देती थी, हाँ जब लेकिन रियलाइजेशन हुआ तो मुझे ये सब मिसिंग दिखने लगी कि जैसे पेरेंट्स से जाके मिलना है या कोई फ्रेंड से जाके मिलना है। जैसे मुझे ट्रेवलिंग का बहुत शौक है, वो जो वो अब डेवलप हो रहा है। अब लाइक मेरे मेंटर्स भी बोलते हैं कि नहीं, तुम अभी ट्रेवल कैसे कर सकती हो, अभी तुमको तुम्हारे टाइटल पे पहुंचना है। तो मैंने बोला कि नो, आई सी माई एज, अब मुझे टाइटल के लिए चलना है बट भागना नहीं, पहुंचना है उस टाइटल पे, बट उसके लिए मैं अपनी पूरी लाइफ नहीं दूंगी कि मुझे अगर 2 दिन बाहर ट्रेवल करने के लिए जाना है, मुझे कहीं घूमना है, या 4 दिन के लिए भी मुझे जाना है, तो आई वोंट स्टे कि नहीं अरे मेरा टाइटल कंप्लीट नहीं हुआ। आई नो इट विल अफेक्ट अ बिट, बट स्टिल देन आई ऐसे तो मुझे लगता है कि मैं देखती हूँ मेरे जो इसमें मेंटर्स हैं, जो मेंटर्स के भी मेंटर्स हैं, दे हैव रीच ऑन द हाईएस्ट टाइटल बट स्टिल दे आर वर्किंग। तो फिर मुझे बराबर लगा कि मुझे वहां नहीं, वो नहीं करना है कि जो जिसके आज 40 लाख रुपए महीना भी आ रहा है वो भी मीटिंग्स ले रहा है। बराबर तो मैं बोलती हूँ कि मुझे वो नहीं करना है। बराबर तो ये मेरे में चेंज आया कि अब मुझे थोड़ा बैलेंसिंग करना है, क्योंकि आई एम 50+। अब मेरी हेल्थ कुछ तो, चाहे मैं कितना भी ध्यान रखूं, कुछ तो डिटोरिएट होनी होनी। तो बराबर फिर मैं वही उसी में फिर टाइटल अचीव करने में अगर मैंने पूरी मेरी लाइफ लगा दी, बिल्कुल भी मैंने लाइफ को अपनी तरीके से नहीं जिया, तो फिर मैं तो खत्म हो जाऊंगी। तो वो बराबर एक चेंज मैंने अपने आप में लगाया। सो बिकॉज हम लोग वैल्यूज वर्कशॉप के अंडर बात कर रहे हैं, तो एक चीज मेरे को ये स्ट्राइक हो रही है कि दिस इज सीकिंग टू फाइंड द सेल्फ। हैप्पीनेस तो सबका एम ही है, मतलब जो पैसा कमाना चाहता है उसको भी लगता है कि पैसे कमा के ही हैप्पीनेस आएगी, इसके लिए तो वो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत सही की तो बात ही नहीं आती। बिल्कुल बट मुझे आपकी बात सुन के एक बात याद आई कि जब मैं नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू कर रहा था तो मेरी बॉस ने बोला था कि अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे क्लाइंट्स पेमेंट टाइम पे नहीं देते हैं, बहुत ईजी नहीं है जैसे तू समझ रहा है। तो तब अक्ल तो ज्यादा नहीं थी, काफी यंग था तभी, तो मैंने उनको टालो के बोला अरे 10 साल में पहुंच के कहाँ पहुंचूंगा, आपके जैसे कैबिन में बैठा रहूंगा मगर दूसरों का मतलब हुक्म फॉलो करना पड़ेगा, तो ये मुझे नहीं चलेगा। तो अभी आपने बोला तो मुझे लगा अच्छा तभी से समझदारी थी कि अपना टाइम कुछ होना चाहिए और अपना स्टाइल होना चाहिए जीने का, या अपने आपको खोजने का वक्त चाहिए। एक दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये ना बहुत ऐसे मस्त कहानी लग रही है आपकी सुन रहा हूँ, तो ऐसा एक सब लीनियर है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो एकदम अभी पहुंच गए, अब समझदारी आ गई, सब चीजें बराबर की, तो बच्चों की देख रेख ठीक से कर ली, पर जिंदगी ऐसे चलती नहीं है, बहुत सारी बातें होती है जो अनचाही होती है या जो मनचाही होती है नहीं मिलती है।
तो ऐसे भी चीजें हुई होंगी जब आपने ऐसे डिसीजन लिए होंगे जहां आपको, जिसको इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल, कि यार ये वाला मैं ले लेती ना बिजनेस तो अभी तो सीरियसली बहुत जबरदस्त हो चुका होता, या कोई चीज ऐसी जो आपको लगता है कि चैलेंजिंग है। मैं सिर्फ इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ कि पैसा ही एक चीज नहीं है जो लोगों को ड्राइव करता है। कभी कभी ड्राइव इटसेल्फ इज द रीजन, कभी कभी एम्बिशन इज द रीजन, कभी कभी पोजिशन इज द रीजन, कभी कभी देयर ओन सेल्फ इमेज इन सम मैनर इज द रीजन। ये तो वो तो हम किसी का डिसाइड नहीं कर सकते कि क्यों कर रहे हैं। बट मेरा आपको सवाल ये है कि जब आपने ये होने का ट्राई किया या सोचा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आती है, जो डिफिकल्ट टाइम रहता है कि यार आज पहली बार ना बोलना पड़ेगा इस चीज को, अभी तक तो ना बोला ही नहीं है, तब कैसे लगा और क्या किया अपने आप को कन्विंस करने के लिए नहीं ये सही है? तो सपोज इसमें मैं आगे। लाइक एक एपिसोड की बात करनी चाहूंगी कि जैसे मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, तो जी स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया था तो हमने सब आसपास माहौल में यही देखा कि जो हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं वो शेयर करते हैं। जी तो फर्स्टली आई टू किट एज अ कि मार्केट का स्टाइल है तो सब कर रहे हैं तो मुझे करना ही है। बट वो कहीं ना कहीं पिंच भी होता था कि भाई मेरी पूरी हार्ड वर्क का जो पैसा है मुझे तो 10% मिल रहा है और 30% तो क्लाइंट वापस ले रहा है। जी तो उस टाइम पे फिर मैंने एक कोर्स किया जहाँ पे 1 डे का कोर्स था एंड देयर आई हैड टू पे लाइक मेरे बहुत से ज्यादा क्या फीस आई हैड टू पे, बट देन दैट वाज माय डिटरमिनेशन कि समझो तो सही कि ये क्या चीज है। तो तब ये था कि आपको सीखना है कि आपको ये ना कैसे बोलना है आपके क्लाइंट को कि मैं ये प्रीमियम का जो है कमीशन का शेयर मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी। तो तब मुझे अपने आप को बहुत मतलब चेंज करना पड़ा था कि हो सकता है कि जो लाइन पे मैं लेकर आई हूँ बिजनेस को इतनी मेहनत से वो शायद बहुत डाउन चला जाएगा। मे भी हो सकता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाए। बट देन ये था कि ऐसा लग रहा था कि भाई मैं रोटी बना रही हूँ, मैं पका रही हूँ, मैं खा रही हूँ, लेकिन मुझे तो उसमें से एक और ही मिल रहा है, बाकी 3/4 रोटी तो कोई और लेके जाए। जी तो वो एक बहुत डिफिकल्ट पॉइंट था मेरे लिए कि करूं ना करूं। तब मेरे लिए चैलेंज आ गया था कि क्या करूं। अब था कि जिसमें उसमें मुझे बहुत अच्छा सिखाया गया था लाइक कि हम फिसल जाते हैं, लाइक कि ऐसा है कि भाई चलो बहुत बड़ा बिजनेस आ गया, अब उसमें से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये मिलने वाले, जिसमें कि पहले आपको था कि आपके पास 5,000 आएंगे 45 के पास चले जाएंगे, बट अब ये है कि 50,000 आ रहे हैं और 5,000 भी चले जाएंगे तो, और क्लाइंट चला जाएगा यहाँ से। सबसे बड़ा टेंशन कि एक बार ये चला गया तो वापस लाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो बहुत मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन वहां पे लाइक जो सिखाया गया था कि जैसे कि आप ये कर लो कि आप अपने कोई बहुत ही जो बिलव्ड है आपके फैमिली में ऐसा कर लो कि मन में अजम्पशन ले लो कि भाई मैं उसके सर की कसम खाती हूँ कि मैं ये काम आज के बाद नहीं करूंगी। सो वो करने के लिए मुझे अपने आप से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, करूं नहीं करूं। और ये था कि मुझे अपने आप से डर लग रहा था कि मैं ये कर भी लूंगी और उसके बाद अगर मैं फिसल गई तो क्या, तो शायद मुझे वो बहुत ज्यादा गिल्टी फीलिंग आ जाएगी कि मैंने मतलब ये चीज तोड़ दी। तो दैट वाज द बिगेस्ट यू कैन से एट दैट टाइम स्ट्रगलिंग पॉइंट था मेरे लिए। बट देन किया एंड उसके बाद था कि चाहे बिजनेस कहीं पे भी जाए बट अब मुझे अपनी मेहनत का जो है वो किसी और को नहीं देना। तो आया चैलेंज, काफी क्लाइंट हाथ से गए फिर नहीं आए फिर हुआ, बट था कि ये तो नहीं करना है। ये थोड़ा सा आंसर जो आया उसका एक रीजन मेरे दिमाग में चल रहा है, इज अ बिजनेस प्रपोजिशन दैट यू डिसाइडेड व्हिच वर्क्स बेस्ट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ग्रोथ। ये तो अपने आप में दुनिया का एक दस्तूर है, जो कोई कुछ और चूज करेगा उतना सक्सीड हो जाएगा या नहीं। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल था जो भी पर्सनली आदमी स्लो डाउन करने की जो ये डिसीशन लेता है, नहीं अब मैं थोड़ा आराम से काम करूंगा या करूंगी या सोच के करूंगा,
उस समय जब पहला कदम उस दिशा में लेना होता है, बिकॉज देयर इज नो लॉजिक एनी मोर, द लॉजिक इज देयर बट इट इज वेरी इमोशनल लॉजिक। मैं अपने आप को वक्त देना, मतलब आज मैं ये मूवी देखते समय मैं 50,000 या 2 लाख कमा सकती थी, वॉट एवर द रीजन, वॉट एवर द अमाउंट और वॉट एवर द एम्बिशन, ये कर सकती थी। उसको छोड़ के मैं किशोर कुमार देख रही हूँ या अमोल पालेकर देख रही हूँ, ये कंपैरिजन भी लॉजिकल कंपैरिजन है। पहली बार, फर्स्ट टाइम, कि आज मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आज मैं ये मूवी देखूंगी। अब उसके लिए जो जिगर चाहिए, ये टेस्ट करने के लिए पहला कदम हर रास्ते में सबसे डिफिकल्ट होता है, कोई भी है। एग्री। तो मैं उस एपिसोड की बात करना चाहूंगा जहां पे आपने, जब मतलब सुधरने का, जो चोर आदमी होता है वो बोलेगा आज से चोरी नहीं करूंगा, तो पहला चीज उसको सामने दिखता है कि कोई नहीं है, सामान पड़ा है, बस उठा के भागना ही है वैसा। क्योंकि हमारा जो ये वृत्ति है कि मन की जो ये फीलिंग है कि नहीं यार काम करेंगे, बिकॉज फाइनली इट इज मूव्ड बाय फियर। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आज की तारीख में भी कई बार घर से काम करता हूँ तो मुझे लगता है यार ये काम लू ना लू, बट पता नहीं इनको ना बोल दूंगा फिर दूसरा काम नहीं आया। तो जब मेरा कुछ पर्सनल काम है, मुझे कहीं बाहर जाना है या कहीं मैंने अपनी बच्ची को प्रॉमिस किया है हम मूवी देखेंगे या कुछ करेंगे या बुक पढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है, बट वो कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। और हर बार ऐसा नहीं है कि एक बार आपने, जो आपने बहुत अच्छी बात बोली एंड में आपके आंसर के, कि मैं कर भी लिया फिर भी फिसल गई, तो पत्थर की लकीर तो नहीं है कि आज डिसाइड कर लिया यही है तो दूसरी बार नहीं होगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम फर्म अबाउट योर ओन डिसीजन। करें तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये क्या एपिसोड था जब आपने डिसाइड किया मैं स्लो डाउन करती हूँ, और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट एक बड़ा चैलेंज आ गया, अब मैं कैसे रोकूं खुद को, ऐसा कुछ हुआ था? और हुआ था तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे बड़ा चैलेंज तो ऐसा नहीं आया था मुझे, बट जी हाँ ये था कि दो तीन जैसे कि मेरे स्लो डाउन, यू कैन से कि माय ओन हॉलीडे के टाइम दो तीन बार आई वाज, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आई वॉज नॉट इंजॉइंग इट, बिकॉज एक तो वो माइंड एंड बॉडी को वो हैबिट हो गई थी कि आप वर्कोहोलिक वर्कोहोलिक वर्कोहोलिक। जब हॉलिडे पे थे आप बता रहे थे तो आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पूरा माइंड बिजनेस पे था, या पहली बार मैं हॉलिडे कर रही हूँ काम नहीं कर रही हूँ, तो ये साइकिल आपने कैसे सहा या ब्रेक किया, कुछ उसके बारे में बोलेंगे? हाँ ये मतलब था कि वेरी इरिटेटिंग बिकॉज माइंड को आदत नहीं थी बिल्कुल भी, यू कैन से कि भाई अपने लिए टाइम निकालना है या एंजॉय करना है। तो उस टाइम मुझे वो 50 चीजें ध्यान में आ रही थी, मे बी आई एम सीइंग अ मूवी और आई एम रीडिंग अ स्टोरी, तो मेरा उसमें हैप्पीनेस नहीं आ रहा था, या यू कैन से अटेंशन वॉज नॉट ऑन दैट, क्योंकि मैंने अपने आप को लाइक यू कैन से कि डाउन टर्न किया था कि भाई जो मेरी रोज की लाइफ इतने टाइम से जीती आ रही उसके अलावा मैंने कुछ और किया। तो तब मुझे लगा कि अरे ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। सो इट वाज एंटायर डे यू कैन से यू इट वेंट ऑन दैट। फिर लाइक अगेन एट द इवनिंग यू कैन से कि मजा तो आया ही नहीं, सो शैल आई कंटिन्यू और शैल आई डिसकंटिन्यू। फिर देन सेकेंड, फिर वो थॉट फिर से अगेन कि व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ, चली जा रही हूँ चली जा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना कि वो थॉट आता है फिर चला जाता है। सो अगेन, फिर अगेन आई ट्राइड कि नहीं फिर ऐसे तो लाइफ निकल जाएगी, जो मुझे करना है कि मैं यहाँ से बुक्स उठा के लेके आ गई, वहां से बुक्स उठा के लेके आ गई, लेकिन धूल जमे जा रही है, कुछ किया ही नहीं है मैंने। तो देन अगेन आई ट्राइड कि नहीं मुझे तो हॉलीडे चाहिए एक दिन, आज मैं कुछ नहीं करूंगी, ना मैं किचन में जाना है मुझे, ना मुझे कुछ और करना है। तो तब वो थोड़ा कम हुआ, इट वॉज नॉट दैट कि फिर से मैं वापिस उसी फेज पे नहीं थी, बट इट वॉज लाइक 20% लेस सेकेंड हॉलीडे में। फिर था कि बीच में भी ब्रेक कर दिया कि उठ के नहीं चलो, एक एक क्लाइंट को तो फोन करना जरूरी है, तो वो हर्डल्स बहुत अभी भी आते हैं कि लाइक, बट उससे ये एक मुझे फर्क लगता है कि जो बोलते हैं ना कि माइंड में रिलैक्सेशन काफी आ जाता है कि यस कुछ तो मैंने मेरे लिए किया, तो वो थोड़ा सा फ्रेशनेस फील देता है, बट इट वॉज नॉट इजी। ठीक है, तो